हेलो व्यूअर्स, आज हम i10 मोबाइल का लेके आए हैं जो जो वन विजन प्रो है। और आज हम इसका कैमरा रिव्यू बुक्स करने के लिए जा रहे हैं। आपको कैमरा रिव्यू करके दिखाएंगे, कैमरा टेस्ट करके दिखाएंगे, आपको इमेज बना के दिखाएंगे, आपको सेल्फी बना के दिखाएंगे, हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे, ब्लॉग बना के दिखाएंगे, क्या इस कैमरे की परफॉर्मेंस है, क्या इस कैमरे की क्वालिटी है, क्या ये कैमरा हमें देगा। हम आशा वीडियो पूरी देखिएगा हमारी, कोई स्किप ना कीजिएगा। फिर आप कहेंगे कोई इन्फॉर्मेशन मिस है, मेरे पार्टनर मोबाइल स्टोर वालों ने गलत गाइड कर दिया। जब आप वीडियो नहीं भाई पूरी देखते, आपको फिर मिस होने की वजह से ये रिजल्ट होंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो पूरी देखिएगा। आइए हम करते हैं और दिखाते हैं आपका रिव्यू। लेट्स गो। जी व्यूअर्स, इसका जो मेन रियल कैमरा है उसकी पे बात करते हैं। ये 8 मेगापिक्सल का है और इसके साथ दो लेंस दिए गए हैं जो कि आई होप 2 मेगापिक्सल के हैं। और इसके साथ एक 4 लाइट की गई है जो कि 4G लाइट है, बहुत अच्छी लाइट कलर में आएगी। और इसके जो फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल सेल्फी फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल दिया गया है। तो हम मोस्टली आप इसके कैमरे की तरफ जाते हैं और बाकी इसकी सेटिंग को देखते हैं। जैसे मैं ओपन करता हूँ, ये बैक कैमरा इस वक्त ओपन आप देख रहे होंगे गाइस, आपको आई होप कैमरे में फोकस ठीक हो रहा होगा। और जो सबसे पहले है वो आपका जो ऑप्शन है शॉर्ट वीडियो का है। अगर आप टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हैं या आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट्स ले सकते हैं। उसके बाद पैनल ही आता है वीडियो पर, जहाँ पे आप इजीली आप अपनी जो फुल वीडियो है उस वीडियो को बना सकते हैं जो आपकी वीडियोज है। और उसके बाद आता है फोटोज़ पे, आप अपनी फोटोज़ बना सकते हैं। और उसके आपके पोर्ट्रेट्स आता है, क्या कि आपकी जो बैक सेट है वो बर्ड्स हो जाएगी और आप सही तरीके से फोटोज ले सकेंगे। और बाकी और इसके बाद मोर का ऑप्शन आ जाता है। मोर में आपको मिलता है एक पोनो का ऑप्शन, जिनके ये आप 60 डिग्री का लेफ्ट राइट में आप अपनी जो क्लिक कर सकते हैं फोटोज। उसके बाद लो लाइट, अगर आपके पास लाइट कम है और आप के पास शाम का मगरब का वक्त है या आप ऐसे कमरे में लाइट कम है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हुए आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है HDR। जी हाँ, आप आइस में HDR 108p तक आप वीडियो रिकॉर्ड्स कर सकते हैं उसमें। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रो का, और उसके बाद ऑप्शन आता है प्रो का, और प्रो ऑप्शन में आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप देखते हुए कि आपकी कंडीशंस कैसी हैं, रोशनी ज़्यादा है कम है, अगर कम है ज़्यादा करनी हो, अगर ज़्यादा है कम करनी हो। इसमें तरह के ऑप्शंस हैं। इसमें जो EV का ऑप्शन दिया गया है और इसके अंदर जो ऑप्शन दिया गया है ISO का ऑप्शन दिया गया है, जिससे कलर अच्छे हो जाते हैं और फैट्स अच्छी हो जाती हैं। ये देखो, देखें कलर बड़े प्यारे हो रहे हैं, जेन्युइन की तरफ जा रहे हैं। आप ऑटो पे छोड़ेंगे तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेगा। इसी तरह ये ऑफ का बटन है, इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें WP ये चीज़ अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कलर के लिहाज से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं जब मौसम वेदर के हिसाब से। और इसमें कोई बेसिकली सेटिंग नहीं है जो देखने में आती है। बाकी फ्लैश इसका कैन लाइट है, अगर आप ऑन रखना चाह रहे हैं, नहीं और ऑन रखना चाह रहे हैं आप, अगर कुछ टाइम नहीं रखना चाह रहे हैं उसके बाद पिक्चर क्लिक करो, उसका ऑप्शन है। और इसके अलावा क्योंकि आप अपने कैमरे में अपने ऊपर सर पे या ऐसी शक्लें रखना चाह रहे हैं जस्ट यू विश, जैसी आपकी ख्वाहिश है। उसके बाद सेटिंग आ जाती है। सेटिंग में आप फ़ोटो की क्वालिटी, फ़ोटो को क्वालिटी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आप किस तरह लेना चाह रहे हैं, हाई या लो। इसमें कोई खास ऑप्शन या लोकेशन है, अगर आप कुछ मार्क रखना चाहते हैं, किस मोबाइल से फोटोज वगैरह ले रहे हैं, टच एंड बूट है, ये अपने हिसाब से जिसमें सेटिंग बटनों की आप कर सकते हैं। अभी हमने सेल्फी फोटोज बनाई हैं जो आपको दिखाई हैं सेल्फीज, उसमें हमने देखा है कि इस कैमरे की जो परफॉर्मेंस है कुछ इतनी अच्छी नहीं है। सब ज़्यादा है हम 13,000 प्राइस में यही चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे बेहतर क्या होगा। उसमें ये है कि जो हमने फोटोज रोशनी में बनाई गई है, हमारी फोटोज जो आपने देखी हैं उसमें जो हमारी रिजल्ट है काफ़ी हद तक बेटर है। और जो हम बैक साइड की रोशनी में बनाई हैं वो हमारा कलर काफ़ी ब्लैक आ गया। उसने बताया कि मुझे फोकस रहने के पीछे रोशनी को पिक कर लिया और रोशनी में भी कुछ चीज़ दिखा नहीं रहा, बस वाइट वाइट सा आ रहा है।
अब हमने इसकी बैक कैमरे से पिक्चर्स आपको दिखाई हैं, कुछ सैंपल्स दिखाए हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही है जो अगर तो फ्रंट से रोशनी आ रही है आप फोटोज बना रहे हैं तो काफी हद तक जो इसकी प्राइस है उस हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आती है। बट अगर आप बैकग्राउंड में आपकी रोशनी ज्यादा है और आप फोटोज लेना चाह रहे हैं, पीछे से धूप है या रोशनी ज्यादा है, तो आपकी फोटोज इतनी अच्छी नहीं क्लिक कर पाओगे, बहुत ज्यादा आपकी डार्क आएगी, आपका कलर बहुत सारा बैड लुक में आएगा, जैसा कि हमने आपको पहले सैंपल दिखा चुके हैं। ये हम इस वक्त खड़े हैं बाहर, आपको दिखा रहे हैं ये कैमरे का रिजल्ट, इसकी ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि कैसा आ रहा है। अगर आप कैमरे से शूट करते हो डिजिटल वन से, ये हमारे बैकग्राउंड में आपको सारा कैसा रिजल्ट है आपके सामने है बैकग्राउंड, और हमारी जो वॉइस है उसकी मैक की क्वालिटी भी चेक हो जाएगी, इसलिए हमने ये ब्लॉग बनाया छोटा सा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ये फुल रोशनी में है, जिनका वक्त है धूप है और फुल रोशनी में ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्काई में। जी व्यूअर्स, आपने तो जब मुकम्मल कैमरा रिव्यू देख लिया, हमने बैक फ्रंट पिक्चर्स वीडियोस ऑल थिंग्स चीजें हमने दिखा दी हैं आपको कैमरे की सारी। आपको आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें यार, कर लें आप तो कर लें, इतनी मेहनत करते हैं हम तो, आप करेंगे तो हमें और खुशी होगी, मोटिवेट मिलेगी ताकि हम मोर वीडियो बना सकें। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, आपको मोबाइल एक्सेसरीज से डिजिटल एक्सेसरीज की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आते रहेंगे। अपने उस साजिद महमूद के इजाजत, अगली वीडियो तक बहुत जल्दी लेके हम आएंगे, और हमारी वेबसाइट पकटल.pk विजिट कर लें मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। गुड बाय।